हेलो एवरीवन, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीमार्ट का ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। जैसे मैंने आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर किया था, हम डीमार्ट गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं वहाँ से क्या क्या परचेज करके आई हूँ। वैसे मैं मोस्टली घर से ही देख के जाती हूँ मुझे कौन से पल्सेस चाहिए या कौन से स्पाइसेस चाहिए, तो मैं घर में सब पहले चेक करके जाती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए। और ऑल्सो जो हम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं वो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, और जो चीज़ें हम कम खाते हैं घर में, मुझे पता है कौन सी चीज़ें कम खाते हैं काजल और हबीब, तो उस हिसाब से मैं वो चीज़ें कम लेके आती हूँ। और घर के लिए भी मैं ढेर सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जो जो मुझे ज़रूरी चाहिए थी घर के लिए वो भी मैं सामान लेके आई हूँ। तो आज मैं आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं लेके आई हूँ मूंग। तो मूंग मैं 1 किलो ही लेके आई हूँ, जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया है इनको बहुत हल्का ही खाना है, तो मूंग मैं ज़्यादा बनाती हूँ रात में, खास करके हमारे घर में कुछ नहीं समझ में आता है मुझे, तो मूंग और साथ में भजिया वगैरह बना लेती हूँ या तो खाली मूंग बना लेती हूँ। तो ये मैं 1 किलो लेके आई हूँ। वैसे मेरे पास 1 किलो और पड़े हैं घर में, तो भी मैं ये लेके आई क्योंकि ये मुझे ज़्यादा लगते हैं। राजमा, तो ये राजमा मैं ये वाइट वाले ही लेती हूँ ऑलवेज, क्योंकि ये ना जल्दी गल जाते हैं। बाकी जो पहले मैं लेके आती थी ब्लैक वाले होते थे वो गलते नहीं थे जल्दी से, उनको बहुत प्रेशर कुकर में पकाना पड़ता था, लेकिन ये जल्दी गल जाते हैं। तो ये मैंने 1 किलो लिए हैं, 2 पैकेट लेके आई हूँ राजमा से। मूंग दाल ये मैं 1.5 kg लेके आई हूँ, ये आधा आधा किलो के पैकेट में लेके आई हूँ, ऐसे 3 पैकेट हैं। क्योंकि मैं ये ऐसे लेके आती हूँ, अलग अलग पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ये क्या करती हूँ, एक मेरा बड़ा डब्बा है मैं उसमें सब ग्रोसरी के जो भी आइटम्स है पल्सेस वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा की रख देती हूँ। बाकी आधा आधा किलो मैं ऐसे करके निकालती हूँ, जो मैं अलग अलग में रखती हूँ, जैसे पहले ये खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैं दूसरा पैकेट लेती हूँ। आधा आधा किलो की पैकिंग लेके आती हूँ, जैसे मुझे आसानी से रखने में भी आसान हो और जल्दी जैसे खलास हो जाए तो फिर मैं दूसरे आसानी से निकाल पाऊँ। ऐसा करने से ये चीज़ें खराब भी नहीं होती है, आधा आधा किलो ऐसे पैकिंग होती है तो वो पैक पड़े रहते, तो 1.5-2 महीना भी मेरे आराम से चल जाते हैं। तो आधा आधा किलो मैं ऐसे करके लेके आती हूँ, सब पैकेट्स शुगर के हुए या पल्सेस के हुए मैं ऐसे अलग अलग ही लेके आती हूँ, एक साथ ही 1 किलो की पैकिंग मैं नहीं लेती हूँ। चौली भी मैं 1 किलो ही लेके आई हूँ, ये भी आधा आधा किलो की पैकिंग 2 पैकेट्स लेके आई हूँ मैं। पहले ये 1 निकालूंगी फिर उसके बाद वो दूसरा मैं लूंगी पैकेट। तूर दाल ये भी मैं 1 किलो लेके आई हूँ, इसके 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो काजल को ये सांभर बहुत पसंद है, अभी हमारे घर में सांभर बहुत बनता है, सांभर और राइस, तो ये भी मैं 2 पैकेट लेके आई हूँ तूर दाल के। मूंगफली, क्योंकि तो सुबह में नाश्ते में मैं पोहा वगैरह बना रही हूँ ना, तो पहले मैं कोकी जैसे सुबह में डेली बनाती थी रोटी या कोकी, तो अभी वो कैंसिल करके हम ऐसे बनाते हैं सुबह में पोहा, मैगी, उपमा ऐसे वगैरह करके बनाते हैं, या ऑमलेट वगैरह हुआ, तो ये मूंगफली मैं लेके आई हूँ पोहा में डालने के लिए, या साबूदाने होते हैं उसमें डालने के लिए तो अच्छे लगते हैं, तो ये भी मैं साथ में ही लेके आई, क्योंकि सुबह में फिर बनाती हूँ तो ये आगे पड़े रहेंगे फटाफट से, तो मैं पोहा वगैरह बना लूँगी। और ये साबूदाना, ये एक्चुअली साबूदाना मैं लेके नहीं आती हूँ इतना, जब भी चाहिए हम तभी मंगाते हैं, बट ये काजल और मम्मी जिद करके बैठे थे हमें साबूदाना की खिचड़ी बना के दे। साबूदाने आते हैं जैसे उसमें सिंगदाने वगैरह और आलू वगैरह डाल के खिचड़ी बनती है साबूदाने की, तो वो बना के दे। ऐसा कर करके मम्मी चले गए आज, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं बनाऊंगी दोनों साथ में खाना, तो काजल को और मम्मी को मेरे हाथ के साबूदाने खाने हैं, इसलिए दोनों वहां से कल डीमार्ट से उठा के आए, नहीं हमें बना के खिला, बहुत अच्छे बनाती है तू। जीरा, तो जीरे के साथ मैंने फाइनली जो राई होती है वो भी लेके आई हूँ, लेकिन वो मुझे अर्जेंटली चाहिए थी तो कल सुबह में मैंने वो राई ले ली थी नाश्ते में, वो मैंने खोल दी थी तो मेरे पास बिल्कुल ग्रोसरी का सामान पूरा खलास हो गया था। ये भी बिजी थे 1 वीक के लिए तो मैंने थोड़ा पहले मंगाया था, बाकी मेरा पूरा का पूरा सामान खलास था। तो राई मैंने जो वहाँ से लेके आई हूँ डीमार्ट की, ऑलवेज मुझे वो पसंद आती है, बिल्कुल फाइन पीसेज होते हैं, छोटी छोटी रहती है, वो मैंने कल ले ली, पोहा वगैरह बनाया था। बाकी जीरा एंड सांभर मसाला, जैसे हमारे घर में अभी सांभर बहुत बन रहा है, तो सांभर राइस या इडली वगैरह या डोसा वगैरह, तो ये लेके आई हूँ मैं, सांभर मसाला भी चाहिए था मुझे और किचन किंग के ये, तो मैंने बड़े पैकेट लिए। एवरेस्ट का तीखा दाल, तो ये ऑलवेज मैं रेड चिली पाउडर में ऑलवेज मैं एवरेस्ट का तीखा दाल ही यूज़ करती हूँ, और कोई भी मैं रेड पेपर नहीं यूज़ करती हूँ, क्यों तो वो खाने में फिर एक्चुअली में सब्जी का कलर भी नहीं निकलता है इतना अच्छा, और खाने में भी वो बहुत तीखे लगते हैं, ये तीखे भी नहीं लगते हैं और इनका कलर भी बहुत सब्जी का रेड आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो मैं ऑलवेज कभी भी ये ही यूज करती हूँ एवरेज का तीखा लाल। टाटा सॉल्ट ये 1 ही पैकेट लेके आई हूँ, ये 1 मंथ में आराम से मेरा 1 चल जाता है।
हल्दी तो ये भी मैं प्रीमिया के ही एक्चुअली सब लेके आती हूँ। डीमार्ट्स में मैं जाती हूँ ना तो ऑब्वियस मैं प्रीमिया के ही देखती हूँ, वो अच्छे रहते हैं सब, तो प्रीमिया के ही लेके आई हूँ। मैं रेड पेपर लेके आई हूँ और हल्दी लेके आई हूँ, और मैं धनिया पाउडर नहीं लेके आई हूँ क्योंकि तो लास्ट टाइम मैं लेके आई हमारा ध्यान नहीं गया, धनिया पाउडर के साथ जीरा पाउडर मिक्स है तो वो मैं धनिया पाउडर यहाँ से ही मंगाऊंगी। एक्चुअली मेरे पास पड़ा भी है अभी वो बहुत, फिर मैं यहाँ से ही मंगाऊंगी। इस बार भी मैं गई तो इस बार भी मैंने ध्यान से देखा तो वो धनिया पाउडर के साथ जीरा पाउडर मिक्स है, तो फिर वो किसी किसी में नहीं जीरा पाउडर डालना हो तो भी वो तीखा लग रहा है। जैसे आज मैंने आलू टूप बनाया तो उसमें धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स आ गया तो खाने में थोड़ी टेस्ट चेंज हो जाती है। शुगर, शुगर मैं 5 kg लेके आई हूँ, 1 kg के ये भी ऐसे पैकेट्स लेके आती हूँ। सीधा जो टी और शुगर का मेरा जो डब्बा है वो मेरा पड़ा रहता है, ऑब्वियस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी पड़े रहते हैं, तो 1-1 kg करके मैं ऐसे उस पलटी कर देती हूँ कि तो एक साथ मुझे उठाने में भी प्रॉब्लम आती है। शक्कर जैसे सबको पता है मुझे प्रॉब्लम है, तो शुगर भी ऐसे एक ही साथ मैं 5 kg या राइस एक ही साथ नहीं उठाती हूँ, तो पैकिंग भी हम लोग ऐसे ही करा के आते हैं 1-1 kg की, जैसे मुझे 1-1 पैकेट निकालने में आसानी से, मैं निकाल के कोई बैठा है काजल या अभी नहीं बैठे तो मैं आसानी से वो पैकेट उसमें डब्बे में डाल के मैं आसानी से मैं अपना ले सकूँ शुगर। Now, my favorite, Jim Jam biscuits. इसके बगैर मैं डीमार्ट से वापस नहीं आती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ मैं ये प्लानिंग करके जाती हूँ कि मैं जिम जैम के बिस्किट जरूर लेके आऊंगी। तो ये मैं 3 पैकेट लेके आई हूँ, 2 बजे हैं, 1 तो पहले से ही मैं ठूस के खलास कर चुकी हूँ। आते आते ही डीमार्ट से जैसे आई 1 पैकेट तो रात तक मैंने पूरा चट कर दिया था। लिटिल हार्ट तो ये भी मेरे फेवरेट है, जिम जैम हो और लिटिल हार्ट मेरे दोनों फेवरेट है, तो ये 3 पैकेट मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं मम्मी के लिए भी लेके आई थी, मम्मी तो ठीक नहीं थे, मम्मी ने ध्यान भी नहीं दिया और मैंने भी सामान पैक ही पड़े थे आज ही निकाले, तो ये मम्मी आया तो मम्मी को भी खिलाऊंगी, मम्मी के लिए भी 1 पैकेट रख दिया है। काजल खाती नहीं है, अभी मैं और मम्मी खाते हैं ये ओरियो बिस्कुट्स। ये काजल लेके आई है अपने लिए, इसका केक बनाएगी आपके साथ शेयर करेगी। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था काजल ओरियो बिस्किट का केक बनाएगी तो आपके साथ शेयर करेगी, लेकिन इसने नहीं किया था। और काजल बोल रही है मैं ओरियो बिस्कुट का केक बनाऊंगी तो मैं शूट कर लूंगी खुद ही, तो काजल शूट कर लेगी और आपके साथ शेयर करेगी ओरियो का केक कैसे बनाती है, बिस्कुट से बहुत ही अच्छा बनाती है। और काजल लेके अपने लिए डार्क फैंटेसी चोको फिल्स, ये ओवन में गर्म करती है ना तू, माइक्रोवेव में एक बार काजल ने इसको माइक्रोवेव भी किया था थोड़ा ये बिस्किट को, तो खाने में अच्छा लग रहा था। और ये काजल लेके आई है अपने लिए हर्षी सिरप, तो ये केक वगैरह डालेगी ना तो बोलती है मैं केक में स्प्रेड करूंगी कुछ बनाऊंगी तो, और अभी गर्मियां हैं जैसे तो शेक वगैरह भी ये बना सकेगी इसका। टूथपेस्ट में मैं ऑलवेज दंतकांति यूज करती हूँ, इसके लिए मेरे दांत इतने खिले खिले और सफेद लगते हैं, आप देखा करो मैं ज्यादा हंसती रहती हूँ, ये तो मैं दंतकांति इस्तेमाल करती हूँ, आप भी कीजिए। तो ये फोक्स भी लेके आई हूँ 79 rupees में, 6 pieces मिले ये, तो ये मैं फ्रूट वगैरह अभी बहुत खाती हूँ तो काजल कप्पा बोले मम्मी फोक्स लेके आओ फ्रूट खाने के लिए, डेली इवनिंग में आप खाते हैं तो फोक्स लेके आए हैं। और ये अभी शेविंग के लिए लेके आए हैं रेजर्स फॉर मैन, और ये हार्पिक पावर अप फ्रेश फॉर हाइजीन, तो घर के लिए क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं आपको सब मैं शो कर रही हूँ। तो ये भी चीजें घर के लिए जरूरी होती है, हार्पिक हुआ या कुछ भी ये भी जरूरी होती है, ये भी हमेशा हम लेके आते हैं घर के लिए। ये मैंने जिसे आते ही आपके साथ शेयर किया था मेरे लिए स्वीपर लिया है इन्होंने, ये घर के लिए लिया है मैंने, तो एक तो दूसरा भी है वो भी मैं लेके आई थी वो भी पहनती हूँ, तो ये भी मुझे वहां पे पसंद आ गया तो मैंने ये लिया, ये 150 में लिया मैंने घर के लिए स्लीपर। एक्चुअली इसके जैसा सेम वॉकर टाइप मिल रहा था, जैसे ये है ना ये फिंगर में पहनने का, वो वॉकर में मिला था सेम यही प्रिंट और यही कलर में, तो अभी को वो पसंद आया, भाई ये नहीं पेन वॉकर का पेन, वॉकर है जो वो पेन, तो इनको बहुत पसंद आ रहा था लेकिन वो मेरी साइज का था ही नहीं, छोटा पड़ रहा था मुझे, तो बहुत ढूंढा इन्होंने नहीं मिला, तो फिर मैंने यही ले लिया, मैंने बोला चलो फिर यही लेती हूँ, सेम ही प्रिंट थी सेम ही डिजाइन थी खाली वॉकर था वो, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ये वाले पति ने मुझे ये स्लीपर लेके दिया जैसे आपके साथ मैंने आते ही शेयर किया था। और ये हबी लेके आए डेली यूज के लिए टी शर्ट्स,
ये 129 में मिली, तो ये शॉप पे जाते हैं तो ये अच्छी लगती है। तो अभी समर सीजन है तो समर में भी बोल रहा है ये पहनूंगा तो अच्छा रहेगा शॉप के लिए, कि ये लेके आए हैं। ये 99 में पड़ी, वहां पे ट्रायल भी था रूम तो ट्रायल कर रहे थे, वहां पे ट्रायल करके पूरा फिर लेके आए हैं। और ये कुशन कवर, तो एक ये पेयर लेके आई हूँ और दूसरा पेयर भी मैं लेके आई हूँ। पहले मैं कुशन कवर लेके आई थी, लाइट कलर में था ना वो, ऑफ व्हाइट कलर था, तो वो मैंने उतार के रख दी है। फिलहाल बहुत लाइट कलर है तो थोड़ा ये मैं डार्क कलर ही लेके आई हूँ। अगर को ये कुशन कवर बहुत पसंद आ रहा है, सब फर वाले लेके आ रही है। लास्ट टाइम भी ऐसे फर वाले लेके आए, ये बार भी मैंने बोले थी थोड़ा डेली यूज के लिए लेते हैं, सिल्क के बहुत अच्छे थे, तो काजल ने बोला नहीं ये ही लेंगे, फर वाले उसको अच्छे लग रहे बहुत। तो ये अभी मैं डेली यूज में ही निकाल दूंगी और क्या करूं, वो तो लाइट कलर है, ये फिर भी डार्क कलर लेके आई हूँ तो ये निकाल दूंगी। तो यही था मेरा ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। तो जितना मैं लेके आई हूँ, हम 3 पर्सन है उस हिसाब से मैं सब लेके आई हूँ, जितने पर्सन होते हैं उस हिसाब से वो ग्रोसरी ऑलवेज आती है। तो हमारे घर में 3 पर्सन है, जिस हिसाब से खाते हैं मैं उस हिसाब से अपना लेके आई हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और वो हमेशा सेम नहीं रहता है, ऑलवेज चेंज होता रहता है। कभी कोई चीज में ज्यादा लेके आती हूँ, कभी कोई चीज में कम लेके आती हूँ, किसी चीज का खाने का इंटरेस्ट इन दोनों का बढ़ जाता है तो वो ज्यादा चीजें लेके आती हूँ, कभी ज्यादा होता है कभी कम ऐसा हो जाता है। तो कभी कोई चीजें एक्स्ट्रा पड़ी रहती है तो मैं कम लेके आती हूँ वहां से डीमार्ट में, वो तो डिपेंड करता है हमारे पास पहले से क्या चीजें पड़ी हैं उस हिसाब से हम वहां से सामान लेके आए। तो पहले सब देख के जाती हूँ, उसके बाद मैं वहां से सामान जल्दी जल्दी से उठा के लाती हूँ। और मैं थोड़ा ना दोनों को बोल देती हूँ, इनको भी, काजल को, मम्मी को भी, तीनों को, ये चीजें याद रखना, मैं भी मैं भूल जाऊं तो ये सब चीजें वहां से लेके आनी है। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये ग्रोसरी शॉपिंग हॉल पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।